जमाना सब नए दीवाना ये अपना है जमाना कर मस्ती के बहाने चलो जिंदगी बनाने Radio Olive, Geo Bindas. Joy Aluka's Sunset Drive. Make your drive golden with Joy Aluka's, world's favorite jeweler. In association with Oscar, Electronics and Appliances, celebrating the good life. Available across leading hypermarkets and retailers. आज है वर्ल्ड सोशल मीडिया डे और इस पर बात तो होके रहेगी भाई साहब। वंस अगेन एक बार फिर स्वागत है आप सभी का रेडियो 106.3 एफएम। नीरज चारू आपके साथ हैं। शो चल रहा है सनसेट ड्राइव। करेक्ट, शो चल रहा है सनसेट ड्राइव। जॉय अलुकास सनसेट ड्राइव, मेक योर ड्राइव गोल्डन विद जॉय अलुकास इन एसोसिएशन विद ऑस्कर। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। कौन है, क्या करती है, आइए जान लेते हैं। हेलो नमस्ते अर्चना जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं नीरज जी? बस मुझे तो इंतजार है मेरी पेंटिंग का। और मैं भी हूँ साथ में। अरे बिल्कुल, मैंने तो आपको पहले बोल दिया कि आपकी पेंटिंग तैयार हो जाएगी नीरज जी। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा अर्चना जी, सबसे पहले आप लोगों को बता दीजिए कि आप करती क्या है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ। दोहा में पिछले 6 वर्षों से आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ। okay. और मैं फास्ट सेंटर में जॉब करती हूँ।
टाइम टू टाइम बच्चों को क्लासेस भी देती हूँ, आर्ट एक्टिविटीज करती हूँ, वर्कशॉप करती हूँ, जो कि चीफ और एडल्ट दोनों के लिए ही होता है। वंडरफुल। आप तो अक्षय कुमार से भी आ गए हैं इतना बिजी शेड्यूल, वेरी नाइस। नहीं नहीं, सोशल मीडिया की आपको बहुत बहुत बधाई हो, आज इनका दिन है। अर्चना जी एक बात बताइए कि आपने कहा आप एक आर्टिस्ट हैं, लेकिन आप एक्चुअली करती क्या है? पेंटिंग करती हैं आप, स्केच करती हैं, किस तरह की पेंटिंग्स करती हैं, स्केच करती हैं? जी वैसे तो मैं सब तरह की आर्ट करती हूँ, ऑयल पेंटिंग, पोर्ट्रेट, बट मेरा जो मेन सब्जेक्ट है, मैं एक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हूँ और मैं उसी के लिए मेरी जो पहचान है उसी में है। तो और मेरा फ्लावर और नेचर फेवरेट सब्जेक्ट है, और शायद आप लोगों ने देखा होगा मेरा काम, तो यही मेरी पहचान तो है। आपको लगता है कि आपको नौकरी मिल जाएगी हमारे स्टूडियो में, जिस तरह से आप मुझे हमें बता रहे हैं? आप बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हैं जैसे किसी इंटरव्यू के लिए आए लेकिन हम आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, नहीं, नहीं। तो अर्चना जी से थोड़ी देर में और आगे मुलाकात होगी, बस इंतजार कीजिए कुछ गानों का, और गानों के बाद जब हम दोनों आएंगे तो इनसे और पूछा जाएगा, है ना, मेरी तस्वीर के बारे में पूछा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज ये डे है और सेलिब्रेट किया जाता है और इनसे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। करेक्ट। सो आप भी सीखिएगा, हम भी सीखेंगे। फिलहाल सुनते जाइए रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास। जियो बिंदास।
QIC है तो फिक्र नहीं, द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन कतर। QIC सभी को इनकरेज करते हैं टू स्टे होम एंड स्टे सेफ। अब QIC के जरिए घर बैठे आसानी से अपने इंश्योरेंस नीड्स को करिए फुलफिल। नाउ यू कैन बाय और रिन्यू योर पर्सनल इंश्योरेंसेस और इवन मैनेज योर क्लेम्स ऑनलाइन इन 4 इजी वेज। डाउनलोड कीजिए QIC मोबाइल ऐप, विजिट आवर वेबसाइट www.qic-insure.com और कॉल अस 800-742 या व्हाट्सएप कीजिए 5000-742 पर। QIC के साथ स्टे होम स्टे सेफ, QIC इंश्योर्ड द इजी वे। Joy Alucas Sunset Drive, make your drive golden with Joy Alucas, world's favorite jeweler, in association with Oscar Electronics and Appliances, celebrating the good life, available across leading hypermarkets and retailers.
चलिए जी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, क्योंकि आप बने हुए हैं रेडियो 106.3 FM। नीरज चारू आपके साथ, हमारे साथ अर्चना जी हैं जो स्केच भी करती हैं, पेंटिंग भी करती हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड सोशल मीडिया डे है और इस पर हम बात करना चूकेंगे नहीं। अच्छा, अब एक बात बताइए अर्चना जी, जब सोशल मीडिया लॉन्च हुआ था तो आपने पहला कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का जो आपने ज्वाइन किया था? मुझे जहाँ तक याद है मैंने फेसबुक ज्वाइन किया था। ओके, सो फेसबुक पे आपने सबसे पहले कोई सी स्केच वगैरह कोई तस्वीर पोस्ट की थी, वो क्या थी, याद है? जी, मैंने शुरू में तो पहले जो मेरे कॉलेज के काम थे वो मैंने पोस्ट किए थे, तो लोगों को बहुत पसंद आया। और वैसे तो मुझे सोशल मीडिया से पहले मुझे जो जानते थे सिर्फ लोकल लोग ही जानते थे, लेकिन जब मैंने अपना काम फेसबुक पे, जो मेरा पहला सोशल मीडिया का था, मैंने जब पोस्ट किया तो लोकल से लेके नेशनल से लेके इंटरनेशनल तक लोग, जितने भी आर्टिस्ट थे, लोग मुझसे जुड़े, कनेक्ट हुए। वेरी नाइस। और उन्होंने मेरे काम को देखा और तो आपको क्या लगता है फिर किस सैलरी पे आपको रखा जाए? देखिए, हमारी मस्ती मजाक आपसे चलती रहेगी, मुलाकात होगी थोड़ी देर से, उसके बाद क्या बात होगी ये तो आपको थोड़ी देर से पता लगेगा। सुनते रहें रेडियो 106.3 FM, जियो हमेशा बिंदास। तेरा यकीन क्यों
ऑलिव 106.3 FM. हाय, मैं हूँ सयमी खेर. सयमी खेर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव. रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास. Joyalukkas Sunset Drive. Make your drive golden with Joyalukkas, world's favorite jeweler. In association with Oscar Electronics and Appliances, celebrating the good life. Available across leading hypermarkets and retailers. हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी. मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी. कुछ जाना कहाँ पे की बे
चलिए अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का रेडियो 106.3 FM। नीरज और जारू आपके साथ हैं और हमारे साथ है कौन? अर्चना जी। और ये एक आर्टिस्ट हैं इन कतर जो कि पोर्ट्रेट बनाती हैं, इसके अलावा स्केचेस बनाती हैं, साथ ही साथ पेंटिंग्स भी करती हैं। सो इनसे हम बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं। मेरी पेंटिंग भी आने वाली है, चलिए बात करते आगे। अच्छा, एक और चीज, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया एज एन आर्टिस्ट कितना जरूरी हो गया है आपकी लाइफ में? जब आप कोई काम करती हैं, जब भी आप कोई पोर्ट्रेट बनाती हैं, सो आपके हिसाब से कितना जरूरी है सोशल मीडिया फॉर एन आर्टिस्ट टुडे? सोशल मीडिया से आप लोगों की पहुंच में जाते हैं। जैसे आपने काम बनाया, ठीक है, पोर्ट्रेट बनाया, अगर आपके घर में है तो आपको कोई नहीं जानेगा, लेकिन अगर आपने वही सोशल मीडिया पे डाल दिया तो जितना पब्लिकली आपको शेयर होता है तो वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे लोग आपके काम को देखते हैं, और आपके अगर पसंद आता है तो लोग उसको बाय भी करते हैं, खरीदते भी हैं। तो ये बहुत मेरे लिए तो पर्सनली बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है, जिससे कि मेरे लिए एक ब्रांडिंग का काम किया। अब आपने खरीदने की बात कर दी तो मैं कैसे खरीदूं पेंटिंग आप जो मेरी बनाओगी? अरे आपकी तो बस बन जाएगी, पहुंच जाएगी, बन के पहुंच। अच्छा, एक 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 इंसान की पेंटिंग बनाने में जैसे आप बनाओगी मेरी, तो कितना टाइम लगता होगा? डिपेंड करता है पर्सन पे। अब जैसे नीरज, मैं तो बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ यार। चलिए, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए, और सोशल मीडिया आपको और बहुत सारी तरक्की दे, हम यही चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू चारू जी, थैंक यू नीरज जी, थैंक यू डियर बिंदास जी। हमेशा बिंदास और ऐसी पेंटिंग करते रहिए, बस मुझे इंतजार रहेगा। मेरी तो आंखें आपके दरवाजे तरफ रहेंगी, कब आएंगी, है ना? आएगी आएगी, लेकिन फिलहाल आगे आने वाले गाने आ रहे हैं आपके लिए, कहीं मजा ही सुनते जाइए कथा का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास। मिली है जो अब ये मुलाकातें, कोई जादू होने